अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय बेक यूट्यूब चैनल। और आप लोग देख रहे हैं द ब्लॉग फैक्ट्री। हम रास्ते से गुजर रहे थे तो सोचा आप लोगों के साथ भी एक दरगाह शेयर कर दे, जो कि तबे ताबईन की दरगाह है। और तबे ताबईन किसको कहते हैं तो मैं अंदर आपको दरगाह की ज्यारत करवाता हूँ, फिर उसको चले ज्यारत करते हैं। दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में जमाना तारीख हो रहा है के मेरे कब से नकाब में है जली जली बू। ये जो खिदमत करते थे, जो कि इतनी सारी कब्रें जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखें, अस्सलाम वालेकुम, ये जो आप मज़ार शरीफ देख रहे हैं ये खादिम की मज़ार शरीफ है। काफ़ी पुरानी पुरानी कब्रें ये देखें। पहले तबे ताबईन की मज़ार शरीफ देखते हैं, फिर उसके बाद में हम ताबईन की मज़ार भी देखेंगे, जो कि ये पूरा कब्रिस्तान के अंडर में आता है। क्योंकि हम सूरत में रहकर आज पहली बार ज़िंदगी में हम देख रहे हैं तबे ताबईन। और तबे ताबईन किसे कहते हैं मैं ज़ियारत करने के बाद आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो चले, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने वज़ू कर लिया है और अभी हम ज़ियारत करवाएंगे आपको, जो कि चार मज़ार शरीफ के अंदर जो तबे ताबईन की, तो इंशाल्लाह आपको पूरी ज़ियारत करवाएंगे। तो देखिए, दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में जमाना तारीख हो रहा है के मेरे कब से नकाब में है जली जली बू से उसकी पैदा है सोजिशे इश्क़ चश्मे वाला जली जली बू से उसकी पैदा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ज़ियारत कर लिया है और आप सभी को भी ज़ियारत करवा दी गई है। और तबे ताबईन क्यों कहा जाता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उनकी सोहबत में जो ज़िंदगी गुजारा ईमान की हालत में, उनको सहाबा इकराम कहा जाता, और जिसने सहाबा इकराम के साथ ज़िंदगी गुजारा उनको ताबईन कहा जाता, और जो ताबईन के साथ ज़िंदगी गुजारता है तो उनको तबे ताबईन कहा जाता है। तो ये तबे ताबईन की मज़ार शरीफ की जिस आपने ज़ियारत की है, 5:15 बजे तकरीबन लोबान होता है यहाँ का, और यहाँ पर आके बहुत ही सुकून मिला मुझे। और कहते तकरीबन ये मज़ार 1200-1250 साल पुरानी मज़ार है और तभी से ये लोग खिदमत करते आ रहे हैं। और ये इनकी उस ये देख सकते हैं जितने भी खादी में ये उनकी मज़ार शरीफ है। उर्स की डेट है 11 शाबान के दिन हज़रत का संदल बहुत धूमधाम से बनाया जाता है और 12 शाबान के दिन उर्स बनाया जाता है यहाँ पे। और अभी हम जाएंगे पीछे कब्रिस्तान में, और कब्रिस्तान में एक और मज़ार है जो कि ताबईन की है, तो चले वहाँ की भी ज़ियारत करते हैं। दरगाह से बाहर निकलेंगे तो ये गोरे गरीबा कब्रिस्तान है जो कि कब्रिस्तान के अंदर है ताबईन की मज़ार, तो चलिए वहाँ की भी ज़ियारत करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही पुराना कब्रिस्तान है ये देखिए। अब हमें राइट जाना है या लेफ्ट जाना है हमें तो पता नहीं है, चलिए इधर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व अहले कुबूर वाल। काफ़ी पुरानी पुरानी कब्रें हैं ये देखें। काफ़ी पुराना कब्रिस्तान है जो कि सूरत के रांदेर में है, ये देखें। जो मुजावर साहब थे कि इधर ताबईन की मज़ार है, तो ये देखे इतनी सारी काफ़ी ज़्यादा मज़ार शरीफ है यहाँ पे। और ये देखिए ये वाली मज़ार ना बहुत ही हाइट इसकी बहुत ज़्यादा हाइट है। तो चलिए यहाँ पर फातिहा पढ़ते हैं और फिर निकलते हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को हमने ताबईन की भी ज़ियारत करवाई, ताबईन की मज़ार शरीफ की भी ज़ियारत करवाई और तबे ताबईन की भी ज़ियारत करवाई। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा ये ब्लॉग। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जिसने बेल आइकन को नहीं दबाया तो वो अभी तक के बेल आइकन को दबा दीजिए, और जिसने अभी तक के अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगा तो वो माफ़ी मांग ले, और अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिनकुल ज़म्बी व अतूबु इलैह, क्योंकि हम इस वक्त कब्रिस्तान में हैं। और ये देखिए झाड़ी पहाड़ी में बस इसी में बस यही जगह में हमें दफन होना है। अल्लाह हमें भी माफ़ फरमाए अपने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफेल में, और आप सभी को भी माफ़ फरमाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।